नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कभी कभी स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ाने में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि अगर बच्चा गलती करता है तो वे उसे बेरहमी से मारने और पीटने भी लगते हैं, लेकिन जब यही मारना पीटना बच्चे को अपंग बना दे तो शिक्षा और शिक्षक के बर्ताव पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, और जब वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है तो अभिभावक को न्याय नहीं मिलता और उसे धरना या आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक समाचार आज उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से प्रकाश में आया है, जहां ललितपुर के घंटा घर पर एक विधवा अपने बच्चों के साथ न्याय पाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गई है। पीड़ित विधवा श्रीमती ममता पत्नी स्वर्गीय मौजी निवासी ग्राम रामपुर थाना कोतवाली तालबेहट का आरोप है कि आज से 2 साल पूर्व उसकी पुत्री डीसी रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ती थी, जहां स्कूल में उसकी पुत्री द्वारा गलती करने पर वहां तनाव शिक्षिका ने उसके गाल में ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। पीड़िता का कहना है कि वो पिछले 2 साल से पुलिस थाना, जिलाधिकारी ऑफिस, एसपी ऑफिस और लखनऊ तक में गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए आज उसे परेशान होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। उसका ये भी कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक वो आमरण अनशन से नहीं उठेगी। आप लोग घंटाघर पे क्यों बैठी है, क्या मांगे हैं आपके बारे में? आपके बारे में बैठे, रोज मेरी बच्ची पढ़ने गई थी स्कूल में तो मैं टीचर ने मार दा और का को घर आई थोड़ी मोड़ा लड़का ने कही क्यों मैडम तुमने क्यों मार दा, सो कल जल्दी बल्ली उठा के और छुट्टी करके चली गई, बच्ची बस्तर में बिड़ गई तो काकू के बच्चा ने हाथ पकड़ लो घर पे गो बच्चा, उस बच्चा ने कि मम्मी मैम ने मारे, हम हाल भक्त के आए, मैम बोली के मैम मिली नंजा हमें, फिर हम 2-3 दिन बाद ही आए तो मैम नहीं आई छुट्टी पे हो गई, दूसरी मैम को नाम लिखवा हमने कार्रवाई करी, फिर जो दूसरी मैम फिर बड़ी दारे ने इनको ना बता, फिर जब हमने इनकी कार्रवाई करी कोई हमारी सुनाई नहीं भाई, हम इसलिए अनशन पे बैठे। क्या नाम है, कौन सी बहन जी है, कहाँ की हो आप? आरती मैम गुप्ता, स्कूल डीसी रोड विद्यालय। आप लोग कहाँ की हो? चौबियाने मोहल्ला। तो पहले शिकायत की थी अधिकारी, तो क्या हुआ? पहला करी थी तो कोई सुनाई नहीं भाई हमारी सर। अच्छा, तो बच्ची की आंख की क्या है स्थिति? देखा तो नन्हे बच्ची को जब से उनने मारे, जब से चोट लगी हाथ की। अच्छा, थप्पड़ मारे भी ने तो अंगूठी पहने थी सो बेही गल गई हाथ। किस बात पे मारा था? एक आधा अक्षर भूल गई वे अंदाज। अच्छा, तो कितने दिन हो गए इसको, आप कई बार शिकायत कर चुकी हैं? हम सर 2 साल हो गए सर, हम 2 साल के फिर रहे लेकिन कोई शिकायत नहीं भाई हमारी, कोई सुनाई नहीं भाई, ना कोई अधिकारी हमारे घर पे, ना कोई कछु नहीं, ना पूछ ना जांच, कोई तालबेट के थाने में दे लई, ललितपुर में दे लई, झांसी में दे लई, लखनऊ में दे लई, हमने सब रही दे लई सर, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी इसलिए हम अनशन पे बैठ गए सर। हम मेरा पति है नंजा में अपने पक्षी पाल रहे जैसे बनना सूलते सूदे सर, बिलदारी करते हैं, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है, कभी अपने घर पे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। क्या चाहती हैं आप सर? हम जे पहले तो जय सोचते कि आँख सही करा दो सर, अब आँख तो उनने गलत कर दी, अब आप ना हमारी कोई कार्रवाई चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, कार्रवाई चाहते हैं।